14 सितंबर 2024 से साल की सबसे बड़ी जल झूलने एकादशी पर पूरे 500 सालों के बाद बनेंगे 5 दुर्लभ और दिव्य महायोग। 5 राशियों की किस्मत में बनेगा विवाह का योग। अब नहीं रहना होगा कुवारा। जी हाँ दोस्तों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। जल झूलने एकादशी के बाद साल 2024 में ही 5 राशियों का विवाह योग बनने जा रहा है। 5 राशि वाले लोगों के भाग्य में बम्पर लोटरी लगने वाली है। इसी साल करोड़पति बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही 14 सितंबर परिवर्तनी या जल झूलने एकादशी पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी, नमः मित्रों। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है ना, इसे परिवर्तनी एकादशी या जल झूलने एकादशी के नाम से जाना जाता है। कई जगह पर इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को जल में स्नान कराया जाता है और धूमधाम के साथ उनकी आरती उतारी जाती है, उनका जुलूस निकाला जाता है और उसके बाद विधि विधान से पूजा करने के पश्चात पुनः मंदिर में उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जल झूलने एकादशी का व्रत या पूजा करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस जन्म के पाप ही नहीं बल्कि पुराने जन्म में भी अगर आपने कोई भी पाप कर रखे है ना, तो भी आप जल झूलने एकादशी पर कुछ दिव्य उपाय करके अपने पापों का नाश कर सकते हैं, अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं। इस बार आपको बता दें कि 500 सालों के बाद जल झूलने एकादशी के दिन लक्ष्मी योग, रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही महालक्ष्मी राजयोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं जल झूलने एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शैन ठे पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए जल झूलने एकादशी के बाद समय और भाग्य बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रहेगा। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से जो कोई भी कार्य या जो कोई भी प्लानिंग योजनाएं आपकी अटकी हुई थी, अब उनको पूरी करने में आपको सफलता हासिल होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में आप लोगों के लिए इस एकादशी के बाद समय काफी अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज है तो उस कर्ज को चुका पाने में भी आप सफल बनेंगे। अगर आपने किसी को भी पैसा उधार दे रखा है तो वो आपको वापस मिल सकता है। अगर आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी वाद विवाद चल रहा है, किसी भी मकान, जमीन, जायदाद, प्लॉट या दुकान को लेकर कोई भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो दोस्तों फैसला आपके फेवर में आ सकता है। जल झूलने एकादशी के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छे और शुभ फल की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी, जिससे सभी कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। 14 सितंबर से लेकर अगले एक साल के अंदर अंदर आप लोग कोई भी नया मकान या नया वाहन, प्लॉट आदि खरीदारी कर सकेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। विवाहित लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी में पहले की तुलना में और भी अच्छा या मधुर समय व्यतीत कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं जल झूलने एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी जल झूलने एकादशी के दिन जो यह माँ लक्ष्मी योग बन रहा है, यह योग आप लोगों के भाग्य के सितारे को अचानक से चेंज कर देगा। आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आपका लंबे समय से कोई भी महत्वपूर्ण या पेंडिंग कार्य अटका हुआ था तो वो पूर्ण होगा। काम कारोबार में आप कोई भी अच्छी या बड़ी डील हासिल कर पाएंगे। आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा। लव लाइफ में आप अपने पार्टनर को परिवार वालों से मिला सकते हैं। जो भी प्रेमी प्रेमिका है वो दोस्तों सितंबर के महीने में कहीं पर भी घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ और मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी नए मेहमान के आपके घर में आगमन होगा, या दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करते हैं ना, तो आपके बिजनेस में कोई नया पार्टनर की एंट्री हो सकती है और उसके इन्वेस्टमेंट से और उसकी योजनाओं से आप लोगों को शानदार रूप से लाभ मिलेगा। पुराना अगर आपका कोई भी फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो आपको वापस से मिलेगा। आप अपनी उदारता को समझने की बजाय दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। जो भी
भी विद्यार्थी है, छात्र है, अगर आप सरकारी नौकरी या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। जो लंबे समय से चल रही परेशानियां, चाहे मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद रहेगी। काफी अच्छा धन का लाभ कमाएंगे, धन की बचत भी होगी, विदेश जाने का सपना पूरा कर पाएंगे। शुक्र मजबूत रहेगा जिससे स्त्री का सुख मिलेगा। आपको दोस्तों जीवन साथी से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। चलिए जान लेते हैं जल जुलनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह या नक्षत्र आप लोगों के लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपकी परेशानियां समाप्त होगी, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा, कब तक आपको अपने जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवा कर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, सादे सुदा जिंदगी बहुत ही बेकार चल रही है, पति पत्नी एक दूसरे का कहना नहीं मानते, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है, कई डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी उसमें आपको सुधार नहीं मिल रहा है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको शेयर मार्केट में लगातार लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपको ये पता नहीं है कि आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, दिन कौन सा है, भाग्यशाली महीना कौन सा है, कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपका गुप्त शत्रु कौन है, क्यों आपको इतने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारी गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं जल जुलनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्सर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी जल जुलने एकादशी के बाद समय काफी अच्छा और बढ़िया रहने वाला है। एक तो आपकी पर्सनालिटी में सुधार होगा, साथ ही आपका खर्च कम और इनकम ज्यादा होगी, दोस्तों के साथ आप नया समय बिता पाएंगे, क्वालिटी का टाइम बिता पाएंगे। लंबे समय से अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को पूर्ण करने की डील कर रहे थे तो अब उसमें सफलता मिलेगी। सितंबर अक्टूबर का महीना शेयर मार्केट, स्टॉक, सट्टा, लॉटरी या ऑनलाइन कार्य में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहने वाला है। पुराना जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, उससे काफी अच्छा शानदार रिटर्न मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप किसी भी नए कार्य में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इस महीने बड़े बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, और दोस्तों किसी भी विपरीत लिंग के प्रति आपकी दोस्ती का भाव तब्दील हो सकता है, और कालांतर में आगे जाकर उससे आपके प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, और उसी से ही प्रेम विवाह का आपका कई सालों का जो सपना है ना, वो
वो भी पूर्ण हो सकता है। चलिए जान लेते हैं जल जुलनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गू गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो 14 सितंबर के दिन जल जुलनी एकादशी पड़ रही है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छी और विशेष रूप से सौभाग्यशाली मानी जा रही है। एक तो जल जुलनी एकादशी पर जो ये महायोग बन रहे हैं यह आप लोगों के मान सम्मान में बढ़ोतरी दिलाएंगे। विदेश में आपको नौकरी करने का सपना पूर्ण होगा। कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है जो कि अभी वर्तमान में आप ही की राशि में विराजमान है। ऐसे में जल जुलनी एकादशी के बाद साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी और आप लोगों को जल्द ही शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। काम कारोबारी वर्ग के लोगों को धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। पहले के मुकाबले आर्थिक रूप से आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और जो भी विद्यार्थी है ना किसी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों के मामलों में सितंबर और अक्टूबर दोनों ही महीने आप लोगों के लिए रोमांटिक रहेंगे। आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। कोई भी पुरानी आपकी अधूरी इच्छाएं है ना तो वो पूरी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो भी कुंभ राशि वाले कुंवारे हैं चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप लोगों का इसी साल 2024 में सितंबर अक्टूबर और नवंबर इन तीन महीनों में विवाह का योग बनने जा रहा है। विवाह से जुड़े आपके रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी और इसी साल 2024 में आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों जल जुलनी एकादशी पर धन प्राप्ति के कुछ उपाय के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि जल जुलनी एकादशी का आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं और अपने घर में शंख की स्थापना करें। अगर शंख नहीं है तो एकादशी के दिन घर में शंख लेकर आ जाएं। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। उसके अलावा जल जुलनी एकादशी के दिन प्रातः काल में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और पूजा के बाद उनको खीर का भोग लगाएं। इस उपाय से भी आपको दोस्तों पुण्य फल की प्राप्ति होगी। उसके अलावा राशि के अनुसार कुछ अलग अलग विशेष उपाय भी है जो सारे उपाय मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप स्पेशली अपनी राशि के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर या राशि वाला नाम लिखकर जरूर बताएगा ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के उपाय के बारे में चर्चा कर सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।